विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में वैदिक गणित के एक बेहद महत्वपूर्ण सूत्र प्रवर्त्ययोजित का अर्थ और इसका जो प्रयोग है किस तरह से अधिकाय और पूरक ज्ञात करने के लिए किया जाता है ये सीखा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से इस सूत्र की सहायता से हम मल्टीप्लीकेशन बेहद फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फोर एग्जाम्पल लिए हैं और हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब आप देखेंगे अगर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, चार क्वेश्चंस की मल्टीप्लीकेशन करनी है, गुना करनी है, तो हमें काफी समय लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इस तरह की जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, वो बेहद फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अब समझते हैं इनको। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें 98 और 76 है। अब यहां पे हमें 90 और 8 और 76 इनके लिए इनके पूरक ज्ञात करने हैं। अब ये देख ले आप कि ये कौन से बेस के नजदीक है, 10 के नजदीक है या 100 के नजदीक है। तो ये भी 100 के नजदीक है और ये भी 100 के नजदीक है। तो हमारे पास एक तो है 98 और एक है 76। तो इनके अगर हम पूरक निकाले, बेस किसके नजदीक है, ये 100 के, तो बेस हमने ले लिया 100। जब हम इनके पूरक निकालेंगे तो 98 का पूरक क्या होगा, 100 में से 98 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और 76 का पूरक क्या होगा, 100 में से 76 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। पूरक निकाल लिए हमने, ये अब पूरक निकाल लिए, हम क्या करेंगे, इसके दो स्टेप हैं। यहां से आप इस तरह से एक बीच में पार्टीशन बना लेंगे। अब जो पहला स्टेप है, जो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों पूरक की गुणा करनी है। तो गुणा कर देंगे, 24 दुनी 48, तो ये इसकी गुना आ जाएगी, 24 दुनी 48। एक स्टेप हो गया। मान लो यहां पे 1 आ जाए और यहां पे 9 आ जाए, तो 1 की और 9 की गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि यहां पे 2 जीरो है हमारे पास, बेस हमारा 100 है, 2 जीरो है, तो यहां 2 डिजिट पूरे करने पड़ेंगे। तो 2 डिजिट अगर हमें पूरे करने हैं तो 1 जीरो फिर हमें लगानी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक इसी तरह से सेकंड स्टेप, जो स्टेप सेकंड है, इसमें आपको क्या करना है, या तो आप इसमें से ये माइनस कर दो या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, दोनों में से कोई सा भी एक काम कर दो। अब देखो आप अगर 76 में से 2 माइनस करेंगे तो 74 आएगा, 76 में से 2 माइनस करेंगे तो 74 आएगा, और 98 में से 24 माइनस करेंगे तो भी 74 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया बस। तो हमारा आंसर आ गया 7448। तो इसकी जो गुना होगी वो आ जाएगा हमारे आंसर, पास आंसर 7448। तो कितना सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमने ले लिया, मान लो हमने 99 और 91 ले लिया। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे 99 और यहां पे हमने 91 ले लिया, 100 बेस के पास है, तो इनका जो पूरक है, 99 का जो पूरक है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, 100 में से माइनस करेंगे, और इसका जो पूरक है वो 9 आ जाएगा। अब हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, इन पूरक की गुणा करेंगे, 9 एकम 9, लेकिन एक ही डिजिट आया, हमारा बेस 100 है, 2 जीरो, तो यहां 2 डिजिट पूरे करने हैं, तो यहां 0 लगा देंगे। अब इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, दोनों में से कोई सा भी एक काम करो। 99 में से 9 माइनस किया तो 90 आ गया, या 91 में से 1 माइनस किया तो भी 90 आ गया, तो 9009 इसका आंसर आ जाएगा, 9009। तो ये इसका आंसर। अब आप देखेंगे कितने फास्ट तरीके से यहां पे कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास।
अब इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम यहां पे हमारे पास है 112 और 108, ये भी 100 के आसपास ही है, 100 के पास है, तो हम बेस हम 100 के लिए ले रहे हैं। हम अब बेस 100 के लिए कर रहे हैं, फिलहाल हमारे जो क्वेश्चन है वो सारे बेस 100 के लिए, 100 बेस के लिए। अब देखो इसका पूरक निकालेंगे, जब हम पूरक निकालेंगे तो पूरक के लिए क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं, तो 100 में से 112 माइनस करेंगे, 100 में से 112 माइनस करेंगे तो माइनस के 12 आएंगे, और 100 में से 108 माइनस करेंगे तो माइनस के 8 आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 100 में से माइनस करना है। अब देखो दो स्टेप है हमारे पास, एक स्टेप इन दोनों की गुना, 12 अठे 96 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपको इसमें से ये माइनस करना है या फिर इसमें से ये माइनस करना है, कोई सा भी एक ले सकते हैं। अब देखो ध्यान रखना है, यहां पे आप एक गलती मत कर देना, ये माइनस एक है, तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 112 माइनस माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 112 और 8 कितने हो जाएंगे, 120 आ जाएगा। ये आपको बस ध्यान रखना है, और यही हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 12096। तो ये आपको ध्यान रखना है, देखो हमें इसमें से ये माइनस करना था, तो 112 माइनस माइनस 8, ठीक है, या फिर 108 माइनस माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 108 और ये 12, तो 120 हो जाएगा, फिर वही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल हमने ले लिया, इसी जैसा है, सेकंड की तरह से ये, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको, इसमें एक अलग से बात है, इस वजह से हमने इसको यूज कर लिया। अब यहां से हमारे पास एक तो है 125 और एक है 111, तो इनके पूरक लिख लेते हैं, 100 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 25, और 100 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 11। पहला स्टेप, इन दोनों की गुणा करेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 25 की और 11 की गुणा करनी है, देखो एक मजेदार आपको बात बताते हैं कि 25 की और 11 की गुणा करनी है, तो जब भी 11 की किसी के साथ गुणा करनी है, आगे जो दो डिजिट लिखे हुए हैं उनको लिख दो, 2 और 5, और बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मान लो ये 10 या 10 से ज्यादा हो जाए तो एक आगे कैरी चला जाएगा, एक हासिल आगे चला जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। मान लो आपको 95 की 11 के साथ गुना करनी है, तो यहां पे 9 यहां पे 5, इन दोनों का प्लस 14 हो जाएगा, तो यहां 14, लेकिन डिजिट तो एक ही लिखना था यहां पे, तो यहां पे आप ये एक आगे चला जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये 4 5 आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेते हैं, आप करके देखना चाहते हो तो करके देख ले, तो 95 की 11 के साथ आप गुणा करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा, तो यहीं पे आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं यहां पे। अब इसको देखते हैं, अब यहां पे इन दोनों की गुणा करेंगे तो -25 की और -11 की मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये आ गया 5, यहां पे 2, इन दोनों का प्लस 7, और अब इसमें से ये माइनस कर दो या फिर इसमें से ये माइनस कर दो। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 125 और ये प्लस के 11 हो जाएंगे, तो ये 136 हो गया। यहां पे 111 माइनस माइनस प्लस, तो 111 प्लस 25 ये भी 136 हो गया, लेकिन हमारा बेस 100 है, यानी कि ये जो जगह है 2 डिजिट के लिए है। देखो जब 1 डिजिट के लिए जगह 1 डिजिट आया था तो हमने एक 0 लगा दी थी, और अब की बार 3 डिजिट आ गए, तो ये जो 3rd डिजिट आया है इसको आगे कैरी ले जाएंगे, तो ये 136 में 2 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 138 और ये आ जाएगा 75, तो ये 2 आगे चला जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13875। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ऐसा ही था, लेकिन हमने क्या किया, इसमें यूज कर लिया क्या, जो कैरी है वो आगे प्लस कर लिया, इसमें बस यही बात एक्स्ट्रा है कि 3 डिजिट आ रहे हैं और वो एक कैरी आगे चले जाएंगे। अब देखो यहां पे जो फर्स्ट एग्जांपल है, इस फर्स्ट एग्जांपल में हमने
जो दोनों संख्याएं ली है वो बेस से छोटी ली है। सेकंड और थर्ड एग्जांपल में हमने जो दोनों संख्याएं ली है वो बेस से बड़ी ली है, और फोर्थ एग्जांपल है इसमें एक बेस से बड़ी और एक बेस से छोटी ली है संख्या। तो तीनों ही केसेस आप कवर हो गए। तो आप इसको देखते हैं जिसमें एक बेस से बड़ी और एक छोटी है। तो एक तो हमारे पास है 107 और एक है 96। इनके जो पूरक है 100 में से माइनस करेंगे तो -7 और 100 में से माइनस करेंगे तो 4। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको। अब आप देखेंगे कि जो हमारा पहला स्टेप है इनकी गुना कितना आएगा, -28। इनकी गुना -28। अब इसमें से ये माइनस कर दो, 107 -4 तो 103 आ जाएगा, या फिर इसमें से ये माइनस कर दो, 96 -7 तो -- प्लस हो जाएगा, 96 और 7 103 हो जाएगी। अब देखो 103 और ये -28 है, -28 में के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है कि -28 का मतलब ये है कि 28 माइनस करने हैं हमें। 103 तो ये है ही है, यहां पे इसका मतलब माइनस आ जाए तो इसका मतलब ये तो जीरो है, और यानी कि हमें 10,300 में से 28 माइनस करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 10,300 में से 28 माइनस करने, आपको ये ध्यान रखना है। यहां पे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें से जब हम माइनस करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, जब हम माइनस करते हैं तो यहां पे हमारे पास 2 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 7 और ये 210, इस तरह से करेंगे। लेकिन आप यहां पे भी देखें कि हमने निखिलम नौते चरमम नष्ट किया था। अब यहां पे देखो ये हमारे पास इस तरह से है, 10,300 में से 28 माइनस करने हैं, तो कैसे करेंगे आप, 28 है, 10,300 है और -28 है, तो आप देखें कैसे करेंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, जो आगे है इसमें से एक कम कर देंगे तो ये 102 आ जाएगा, और बाकी पे इस पे निकिलम ना होता है चरमम दस्त है, जो अंतिम है वो 10 से और बाकी सारे 9 से, तो 10 में से 8 2 आ जाएगा और 9 में से 2 7 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि -28 आ गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी यहां पे टर्म है उसके साथ 20 लगा के और हमें उसमें से 28 माइनस करने हैं। अब 28 माइनस करने का तरीका क्या है, यहां पे आप निकिलम सूत्र फिर अप्लाई कर दें, क्योंकि हमने सीख लिया वो कि इसमें से -28 करने का तरीका ये है कि अगले वाले में से तो एक कम कर दो और अंतिम को 10 में से और बाकी जो बचे हैं उसको 9 में से, यानी कि हमारे पास 10,272 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमने यहां पे प्यारे बच्चों अब बेस 100 के लिए तो जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर ली है। अब आप कोई भी और एग्जांपल लेके 2-4-5 एग्जांपल लेके अब आप इनको सोल्व करके देखें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप इसमें परफेक्ट होते चलेंगे और उतना ही मजा आपको वैदिक गणित को करने में आएगा। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम वैदिक गणित का में सूत्र परावर्त्य योजित का एक बेहद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और देखेंगे, मैजिक स्केयर बोलते हैं जिसको हम, तो मैजिक स्केयर के बारे में हम किस तरह से जो हमारा ये सूत्र है इसकी सहायता से हम मैजिक स्केयर बना सकते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।